दो सुप्रीम की शक्तियों से पूरा आकाश नीला ओर और चांदी के रंग सा सफेद हो गया था, जिसमें लगातार तो चांदी की शक्तियों से बने शेड ऑफ की स्ट्राइक ओर तीन कांटों वाले भाले की टकराने की आवाज से शक्तियां चारों ओर बिखरने लगीं, जिनके टकराने से मेडिकल सिटी पर मौजूद शक्तियों का कवच दरारों से घिर गया था। अपने चारों ओर बने कवच को टूटते देख तीनों मेडिकल सेंटर के बुजुर्ग ने सभी प्राचीन कबीले के बुजुर्गों से मदद मांगी ताकि उनकी शक्तियों से वो कवच में आई दरार भर सके। हालांकि मेडिकल सेंटर के बुजुर्ग का इशारा थोड़ी दूरी पर खड़े बुजुर्ग कालके और बुजुर्ग निषाद की ओर था, लेकिन बुजुर्ग कालके और बुजुर्ग निषाद से तो मेडिकल सेंटर के बड़े बुजुर्ग कीर्ति को ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। हालांकि मेडिकल सेंटर के बड़े बुजुर्ग जानते थे कि अगर मेडिकल सिटी पर मौजूद कवच टूटा तो ऐसा भी महाशक्ति और शक्ति रैंक के योद्धा और बुजुर्ग पलक झपकते ही मारे जाएंगे। इसलिए बुजुर्ग कीर्ति ने मन ही मन प्राचीन दानव कबीले के बुजुर्गों को कोसते हुए अपने शरीर से ढेर सारी शक्तियां निकालकर एक करना शुरू किया और बाकी सभी बुजुर्गों और नश्वर सम्राट ने अपनी शक्तियों को तीनों मेडिकल सेंटर के बुजुर्गों की मदद के लिए भेजना शुरू किया। मौजूदा हालत ठीक नहीं है लीडर, तक्षा और लीडर कल्याण दोनों के सुप्रीम की शक्तियों के बढ़ने के साथ मेडिकल सिटी का कवच किसी भी वक्त टूट कर बिखर जाएगा। आप जानते हैं नगर, ऐसा हुआ तो पितृदेव की समाधि में छुपे हृदय शक्ति पदार्थ का लालच ऐसा कोहराम मचाएगा कि एक भयानक तबाही होगी। ऐसा कहते हुए भेड़िया कबीले के भूरे रंग का कोट पहने बुजुर्ग के चेहरे पर हल्की नाराजगी टट्ठी और उसकी नजरें विद्युत की मदद के लिए आए पूर्वज आग्नेय पर थी। भेड़िया कबीले के लीडर शशक की बात सुनकर बगल में खड़े सफेद कपड़े पहने बर्फीले अजगर कबीले के बुजुर्ग वासुकी ने गंभीर आवाज में कहा, क्या दोनों सुप्रीम को रोकने की तो नहीं सोच रहे? आप जानते हैं ना, अगर किसी ने भी दोनों में से किसी सुप्रीम को नाराज कर दिया तो क्या होगा? दैत्य हॉर्न कबीले के लीडर पाणे की स्पिरिचुअल बॉडी का क्या हुआ? जैसे ही बुजुर्ग वासुकी ने दैत्य हॉर्न कबीले के पाणे का नाम लिया तो सभी की शक्तियां कांपने लगीं और उन्हें ध्यान आया कि किस तरह पलक झपकते ही लीडर पाणे की स्पिरिचुअल बॉडी को सुप्रीम अग्नय ने खत्म कर दिया, जिसे कोई नौ पड़ाव बाला नश्वर सम्राट भी खत्म नहीं कर सकता था। एक पल सभी ककी आंखों में दिख रहे खौफ को देख लीडर वासुकी ने गंभीर आवाज में कहा, फिलहाल मेडिकल सेंटर के बुजुर्ग अपनी शक्तियों के साथ कुछ देर कवच को बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे और शायद कुछ देर में ये मुकाबला भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि भले ही इस वक्त दोनों सुप्रीम की शक्तियां बराबर हैं, लेकिन शायद आप लोगों ने सुप्रीम अग्नय की बातों ध्यान नहीं दिया। अगर सामने मौजूद काले कोट वाला सुप्रीम सच में सिर्फ स्पिरिचुअल बॉडी के जरिए मेडिकल सेंटर में आया है तो ये मुकाबला सुप्रीम अग्नय ही जीतेंगे, लेकिन बर्फीले अजगर कबीले के लीडर वासुकी ने कहा ही था कि तभी उनके कानों में खराज भरी आवाज सुनाई दी। को एक पीले कपड़े पहने मोटे इंसान की थी और कोई नहीं बल्कि मगर दैत्य कबीले का लीडर मगरू था, जिसने भारी आवाज में कहा, लीडर वासुकी का कहना सही है, हम सभी सालों से ट्रेनिंग करके इस काबिल हुए कि अपनी स्पिरिचुअल बीड़ी तैयार कर पाए हैं, इसलिए अगर हम सभी अगर मिलकर भी दोनों सुप्रीम के सामने गए तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये रहस्यमयी सुप्रीम इस बॉक्स के लिए इतना परेशान का क्यों हो रहा है। लीडर मंगरू की बात सुनकर सभी स्पिरिचुअल बॉडी के चेहरे पर हैरानी थी, सिवाय बर्फीले अजगर कबीले के लीडर वासुकी के, जिन्होंने ठंडी आह भरते हुए गंभीर आवाज में कहा, क्या आप जानना चाहते इस बॉक्स के अंदर क्या है? आपको याद होगा सुप्रीम दंभ जो एलिमेंटल गॉड बनने के कदार पर था, लेकिन अपनी एक गलती की वजह से मारा गया था और उसमें उसके शरीर के साथ उसकी आत्मा भी खत्म हो गई थी सिवाय एक छोटे से हिस्से के। क्या आप समाधि के दंभ की बात कर रहे? क्या ये बॉक्स समाधि के दंभा का है? ऐसा कहते हुए मगरू के चेहरे पर हैरानी और आंखों में लालच थी। किसके साथ वो विद्युत के पास मौजूद आग मूल शक्ति से घिरे बॉक्स को देख रहा था। लेकिन तभी लीडर मंगरू की बात सुनकर लीडर वासुकी ने हल्की झिझक के साथ कहा, दरअसल मैं ये सब पहले ही बताने वाला था, लेकिन हालातों के चलते मुझे वक्त नहीं मिला। कुछ दिन पहले समाधि की देखभाल कर रहे पूर्वज शंकु पर एक रहस्यमय ताकत वर इंसान ने हमला कर दिया था और उसको बुरी तरह जख्मी कर दिया था। हालांकि उस हमले से
पूर्वज शंकु तो बच गए, लेकिन समाधि के दंभा का वो रहस्यमय बॉक्स चोरी हो गया और अपनी सामने का नजारा देखकर मुझे लगता कि वो वाक्स यही है, लीडर वासुकी ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा। तभी एक और आवाज सुनाई दी, तब तो हमें इस बारे में विद्युत से बात करनी चाहिए। लेकिन तभी लीडर तक्षा ने गंभीर आवाज में कहा, फिलहाल उस बॉक्स की चिंता करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस बॉक्स पर छड़ी सील एक महान दंभ की चढ़ाई है, उसे कोई मामूली सुप्रीम भी नहीं तोड़ सकता, और इसलिए फिलहाल के लिए हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक बार ये मामला निपट जाए फिर हम सभी विद्युत से इस बारे में बातें करेंगे। लेकिन लीडर तक्षा की बात सुनकर लीडर वासुकी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो इस लड़के के शरीर पर मौजूद सुनहरा कवच असल में उसी दंभ की शक्तियों से बना कवच है जिसे उसने खुद तैयार किया था, और विद्युत पहला जवान पीढ़ी का लड़का जो उस कवच की गर्मी को सहन कर पाया, इसलिए इस बारे में मैं खुद इस लड़के विद्युत यानी मेघराज से बात करूंगा। ऐसा कहते हुए लीडर वासुकी ने तीनों बुजुर्गों के शरीर से निकलती शक्तियों को कमजोर पड़ते देख कहा, कुछ देर में मेडिकल सिटी पर चढ़ा कवच हट जाएगा और तब शायद एक ऐसा युद्ध होगा जिसका अंजाम मेडिकल सिटी के लिए ठीक नहीं होगा। ऐसा कहते हुए लीडर वासुकी ने अपनी झुर्रीदार नजरों से तीनों मेडिकल सेंटर के बुजुर्ग को देखा, जो अपने हाथों को मिलाए लगातार शक्तियों को निकाल रहे थे, और प्राचीन कबीलों के साथ मेडिकल सेंटर के ताकतवर बुजुर्गों के बावजूद कवच में जितनी तेजी से दरार भरती उससे कहीं ज्यादा नई दरार और बन जाती, जिसे देखकर सभी समझ गए थे कि शक्तियों का कवच टूटने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक सभी की नजर दोनों स्पिरिचुअल बॉडी से हटकर सुप्रीम अग्नय की ओर गई, जिन्होंने अपना दूसरा हमला तैयार करते हुए कहा, अगली बार खुद सामने आना, क्योंकि मुझे हराना किसी स्पिरिचुअल बॉडी के लिए नामुमकिन है। ऐसा कहते हुए पूर्वक अग्नय ने भारी आवाज में कहा, आयामी आईना सील पूर्वज। अग्नय के इतना कहने के साथ ही उनके शरीर से अचानक शक्तियों की बाढ़ निकली, जो देखते हुए देखते काले कॉट वाले सुप्रीम से टकराई और अगले एक धमाका हुआ। वही अचानक हुए हमले से काले कॉट वाले सुप्रीम का ध्यान मुकाबले से हट गया और उसको फायदा उठाकर सुप्रीम अग्नय की शक्तियों से बने चांदी के मून वॉरियर ने एक साथ 15 चमकते चांदी के शक्तियों से बने मून से हमला किया, जो एक के बाद के अलग अलग दिशाओं से एक के बाद हमला करने लगे। मून वॉरियर के स्पिरिचुअल बॉडी के इस खतरनाक के साथ नीली शक्तियों की बनी पोसाइडन की स्पिरिचुअल बॉडी टूट कर बिखर जाती है, जिसके साथ ही एक भयानक धमाका होता है और चारों ओर शक्तियां बिखरने लगती हैं, और हमले की शक्तियां का एक हिस्सा जाकर शक्तियों के कवच से टकराता है जो दरारों से पूरी तरह भर चुका था, जिसके साथ इस धमाके की शक्तियों से शक्ति कवच टूट का बिखर जाता है। कवच के टूटने के साथ ही मेडिकल सेंटर के तीनों बुजुर्ग को एक तेज झटका लगता है और उनके मुंह से ढेर सार खून बाहर आ जाता है। वही दूसरी तरफ यही सभी कबीले के बुजुर्गों का था, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल तो बुजुर्ग भेड़ा बुजुर्ग हृंगरा और बुजुर्ग हेमराज का होता है, जो शक्तियों के कमी के चलते जमीन पर गिरने लगते हैं। एक साथ इतने नश्वर सम्राट को जख्मी देखते देख मुकाबले को देखने और मेडिकल सेंटर के में रहने वाले लोगों की आंखों में खौफ नजर आने लगा था। बहुत से लोग मेडिकल सिटी को छोड़कर दूर भागने लगे, जिसे देखकर विद्युत के माथे पर परेशानी नजर आने लगी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि दोनों सुप्रीम की इस भयानक शक्तियों की लड़ाई में कहीं उनकी जान ही ना खतरे में पड़ जाए। लेकिन ऐसा करने वाले लोग बहुत कम थे, ज्यादातर तो दूर जाकर खड़े हो गए थे ताकि अगर कोई बड़ा धमाका हो तो वो वक्त रहते बचकर भाग सके या पीछे हट सके। अब वो ये भू समझ गए थे कि अगर इस मौके का फायदा उठाकर काले कॉट वाले सुप्रीम की मदद के लिए और लोग आ गए तो टुनका मरना भी तय था। इसलिए मौत के खौफ ने उनके दिल से हृदय शक्ति पदार्थ के लालच को भी खत्म कर दिया था, लेकिन विद्युत को उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। असल में विद्युत यानी मेघराज को डर था, अगर मुकाबले में भाग लेने वाले ही नहीं रहे तो मेडिकल सिटी को बहाना मिल जाएगा मुकाबले को रोकने का, जैसा कि पिछली बार के मुकाबले में हुआ था, और विद्युत के पास इतना वक्त नहीं था कि वो और 3 साल इंतजार कर सके, क्योंकि उसे जानना था कि आखिर उसके पिता के साथ हुआ क्या और उसके दल का क्या हुआ, विद्युत के जन्म से पहले क्या हुआ। इसलिए विद्युत को भी अब सुप्रीम अग्नय और काले कोट में मौजूद सुप्रीम के मुकाबले
एस फिक्र होने लगी। वही दूसरी ओर आसमान से नीचे गिरते तीनों बुजुर्गों को केमिस्ट बुजुर्ग भामा ने अपनी आत्मीय शक्ति की मदद आयामी आयने तैयार करके बचा लिया, लेकिन अब भी उनकी नजर आसमान में होते मुकाबले और टूटे कवच को देखकर मुस्कुराते हैं बुजुर्ग काल के ओर बुजुर्ग निषाद पर थी, क्योंकि बुजुर्ग भामा जानते थे कि अगर ये मेडिकल सिटी पर मौजूद कवच को जल्दी तैयार नहीं किया तो उनके सर पर प्राचीन दानव दल और उसके साथी दलों का खतरा हमेशा बना रहेगा, जिसके चलते वो मायूसी के साथ मन ही अफसोस जताते हुए बोले, ये तुमने क्या किया विद्युत? अगर मुझे पता होता कि तुम अपने साथ एक ताकतवर सुप्रीम को लेके आए हो तो मैं कभी इस मुकाबले का जिक्र नहीं करता। वही दूसरी तरफ विद्युत अपने चारों ओर मची तबाही को देख रहा था जो शक्तियों के कुछ हमलों से हुई थी, और ये शक्तियां थी दो सुप्रीम की, जिन्हें देखकर विद्युत ने मन ही मन कहा, अगर एक सुप्रीम की शक्तियां इतनी ज्यादा है तो आचार्य थामा जब अपनी सिल तोड़कर अपनी शक्तियों को हासिल करेंगे तो वो तो के एलिमेंटल गोड बन जाएंगे, तो उनकी शक्तियां क्या होगी। लेकिन तभी विद्युत के दिमाग में एक नाम आया, आदिदेव। जो इस दुनिया में वो पहले और आखिरी इंसान थे जिन्होंने डिस्ट्रॉयर रैंक हासिल की थी, और मैं एक डिस्ट्रॉयर बनकर रहूंगा। मैं इस दुनिया की हर वो शक्ति हासिल करूंगा और उससे टकराऊंगा जो मुझे डिस्ट्रॉयर बनने से रोकेगी। ऐसा कहते हुए विद्युत की मुट्ठी उसके हाथों में मौजूद बॉक्स पर कसती जा रही थी, और विद्युत के चेहरे के बदलते भाव को देखकर दूर खड़े बर्फीले अजगर कबीले के लीडर वासुकी के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आने लगी, जिसके साथ उन्होंने अपनी नजरें कवच टूटती शक्तियों के बीच खड़े शक्तियों से घिरी तो परछाई की नजर की, जिनमें से सफेद शक्तियों से घिरे सुप्रीम अग्नाया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वही दूसरी तरफ उनके हमले से जख्मी होकर कमजोर काले कोट पहने सुप्रीम के चेहरे पर हल्की परेशानी दी, और उसकी नजर थी सुप्रीम आग्नेय के हाथों पर, जिन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था, एक स्पिरिचुअल बॉडी की इतनी हैसियत ही नहीं कि मेरा सामने अपनी मन मर्जी चला सके, इसलिए तुम्हें पहले ही मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। ऐसा कहते हुए सभी की नजरों के सामने पूर्वक ने अपने हाथों में मौजूद शक्तियों से हमला करते हुए कहा, तो तुम्हारा खेल खत्म हुआ आयामी अयाइनों का विस्फोट पूर्वज। अग्नय के इतना कहने के साथ ही काले कोट पहनी स्पिरिचुअल बॉडी के चारों ओर मौजूद आईने धमाकों के साथ फट गए। ये धमाका इतना बड़ा थैम कि आसमान में एक दरार नजर आने लगी, और उसमें मौजूद खतरनाक शक्तियां बाहर आने ही वाली थीं कि तभी सुप्रीम अग्नय ने उन्हें बाहर आने से रोक दिया। वही दूसरी तरफ आयामी आइनों के फटते ही काले कोट वाले सुप्रीम अग्नय की एक भयानक आवाज सुनाई दी, अगण्य ये मत समझना कि मैं तुमसे हार गया, क्योंकि अगली वॉर कोई स्पिरिचुअल बॉडी नहीं बल्कि मैं खुद आऊंगा। और उस आवाज के साथ नीले आसमान में शक्तियों की धुंधलाहट फैल गई। वही दूसरी तरफ उस आवाज को सुनने के बाद भी लोग आसमान की ओर देख रहे थे, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने अभी हुआ क्या। भाई दूसरी तरफ काले कोट पहने सुप्रीम की स्पिरिचुअल बॉडी की आवाज सुनकर पूर्वज अग्नय ने गंभीर आवाज में कहा, तब भी मैं तुझे में उस बॉक्स को लेने नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए अगले पल पूर्वज अग्नय ने अपनी बची कुची शक्तियों को वापस लेते हुए विद्युत के पास पहुंच गए। आसपास मौजूद हजारों ताकतवर लोगों की नजर आसमान में मौजूद जवान लड़के पर था, जिसे देखकर वो अंदर ही अंदर जलन महसूस कर रहे थे कि तभी उनकी नजर तीन परछाई पर पड़ी जो तेज रफ्तार में विद्युत के पास जाकर रुकी। ये परछाई कोई और नहीं मेडिकल सेंटर के तीनों बुजुर्ग की थी। वही दूसरी तरफ मेडिकल सेंटर के तीनों बुजुर्गों को तेज रफ्तार में विद्युत की ओर जाते देखकर भीमा मालिका और वो दा भी अपने अपने कबीले के बुजुर्ग की ओर जाने लगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें विद्युत के साथ मौजूद सुप्रीम के जितने की खुशी तो बिल्कुल नहीं था, साथ उनके चेहरे की नाराजगी और भू ज्यादा बढ़ गई थी। ये लोग और कोई नहीं प्राचीन दानव कबीले के चूर्ण उसका भाई अश्व और दसुनहरे कोट वाला जवान लड़का था, जो नाराजगी से विद्युत की ओर देख रहे थे। आखिर क्यों आए थे तीनों मेडिकल सेंटर के बुजुर्ग विद्युत के पास? जैसे ही विद्युत ने मेडिकल सेंटर के बुजुर्ग को अपनी ओर आते देखा तो उसके आंखों में हल्की परेशानी नजर आने लगी। वही दूसरी तरफ विद्युत के चेहरे के बदलते भाव देख मेडिकल सेंटर के बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में कहा, लड़के इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, नहीं क्या तुम हमारी थोड़ी मदद कर सकते हो?
ऐसा कहते हुए मेडिकल सेंटर के पहले बुजुर्ग आयुष्मान के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वही दूसरी तरफ बड़े बुजुर्ग आयुष्मान की बात सुनकर विद्युत ने हल्की हैरानी के साथ कहा, कैसी मदद बुजुर्ग, में आपकी बात समझा नहीं। वही दूसरी तरफ मैदान में मौजूद सभी लोग हैरानी से आसमान की ओर देख रहे थे। वही दूसरी तरफ तभी मेडिकल सेंटर के बुजुर्ग आयुष्मान के बगल में खड़े बुजुर्ग कीर्ति ने गंभीर आवाज में कहा, देखो विद्युतः में मेडिकल सेंटर के चारों ओर मूल शक्ति कवच तैयार करने के लिए तुम्हारे साथ मौजूद सुप्रीम की मदद चाहिए। वही दूसरी तरफ बुजुर्ग कीर्ति की बात सुनकर विद्युत ने हल्की परेशानी के साथ कहा, लेकिन बुजुर्ग इस बारे में आपको सुप्रीम अग्नाय से बात करनी चाहिए, भला इसमें मैं आपकी क्या ही मदद कर सकता हूं। ऐसा कहते हुए विद्युत के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। किसका मतलब? तीनों बुजुर्ग समझ गए थे। असल में विद्युत के सामने एक सुप्रीम के आने से तीनों बुजुर्ग ने यह साफ जाहिर कर दिया था कि उनका और मेडिकल सेंटर का उस मामले से कोई लेना नहीं था, इसलिए कहीं ना कहीं विद्युत इस बात से बहुत ज्यादा नाराज था। लेकिन अब तक के तजुर्बे से विद्युत ये तो समझ गया था कि इस दुनिया में अगर रुतबा हासिल करना है तो ताकतवर और ताकतवर लोगों का साथ होना जरूरी था। इसलिए विद्युत ने साफ तौर पर मना तो नहीं किया, लेकिन गंभीर आवाज में कहा, ठीक है, मैं आपसे वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस बारे में सुप्रीम अग्रण्य से बात करूंगा, लेकिन ये फैसला उन्हीं का होगा कि वो आपकी मदद करते हैं कि नहीं। फिलहाल तो मुझे जाना होगा, क्योंकि मुकाबले से अब तक विद्युत ने एक पल आराम नहीं किया था। वही दूसरी तरफ अगले दिन का मुकाबला भी होना था, इसलिए विद्युत को अपनी ट्रेनिंग के साथ आराम भी करना था। ऐसा कहते हुए विद्युत लीडर किंद्रा और लीडर मोदा के साथ अपने शक्तियों के पंख फड़फड़ा का तेज रफ्तार में वहां से चला। असल विद्युत के ऐसा कहने की वजह खुद पूर्वज आग्नेय थे, क्योंकि तीनों मेडिकल सेंटर के बुजुर्ग को आता देख पूर्वज अग्नेय समझ गए थे कि मेडिकल सेंटर के बुजुर्ग मेडिकल सेंटर के टूटे शक्तियों के कवच के बारे में बात करना चाहते हैं, इसलिए वो पहले ही अपनी शक्तियों को वापस भरने के लिए ब्रह्म मूल शक्ति पत्थर में चले गए थे। विद्युत को जाता देख बुजुर्ग आयुष्मान ने अपनी नजरें बगल में खड़े बुजुर्ग भवाह की ओर देखते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि विद्युत के साथ मौजूद सुप्रीम अग्नेय हमारी मदद करेगी? बुजुर्ग आयुष्मान की बात सुनकर बुजुर्ग भवाह ने गंभीर आवाज में कहा, हां वरना इसमें सबसे अधिक नुकसान उस लड़के का ही होगा। ऐसा कहते हुए मेडिकल सेंटर के बड़े बुजुर्ग भवाह ने एक नजर जमीन पर मौजूद टूटी इमारत को देखने लगे, जहां पत्थरों के ढेर के सिवा कुछ ना ही था। जिसके साथ मेडिकल सेंटर के बड़े बुजुर्ग कीर्ति ने गंभीर आवाज में कहा, फिलहाल तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम मदद के लिए दूसरी मेडिकल सिटी को खबर भेज सके, और अगर हमने मुकाबले को रोका तो इस बार दानव कबीला चुप नहीं बैठेगा। तभी बुजुर्ग कीर्ति ने मायूसी भरी आवाज के साथ कहा, आप जानते हैं ना, अगर विद्युत के साथ एक सुप्रीम की ताकत है, अगर मुकाबला हुआ तो एक बड़ा मुकाबला होना तय, हमें इस बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। इस जवान लड़के पर भरोसा करना हमें मुश्किल में डाल सकता है। हाँ मुश्किल तो होगी, लेकिन मुझे उससे पहले कुछ जरूरी काम निपटाने। फिलहाल के लिए सभी बुजुर्गों को मेडिकल सिटी पर नजर रखने को कहो, और जब तक आचार्य वामन ना ही आ जाते हमें विद्युत और उसके साथ मौजूद ताकत वर इंसान की मदद लेनी होगी। एलवार, आचार्य वामन आ जाए उसके बाद कोई नहीं होगा जो मेडिकल सिटी की तरफ आंख उठाकर देख सके। ऐसा कहते तीनों बुजुर्ग असमान में परछाई में बदल कर गायब हो गए। वही दूसरी तरफ विद्युत सराय से आकर एक पल भी नहीं रुका और ट्रेनिंग करने चला गया, जिसके लिए उसने संग्रहालय के मीटिंग रूम का इस्तेमाल किया, और मालिका और बाकी सभी से विद्युत ने साफ साफ कह दिया था कि वो ट्रेनिंग के बर्ड मुकाबले के मैदान पहुंच जाएगा। हालांकि मालिका और बाकी सभी विद्युत को रोकना तो चाहते थे, लेकिन सब जानते थे कि अगर विद्युत ने अपनी ट्रेनिंग कर शक्तियों को हासिल नहीं किया तो अगले दिन के मुकाबले में उसे मुश्किल का सामना करना पड़ सकता था। इसलिए विद्युत मीटिंग रूम में गया था, जिसका दरवाजा कोई अपनी मर्जी से नहीं खोल सकता। एक ओर जहां विद्युत अपनी शक्तियों को वापस हासिल करने की तैयारी कर रहा था, वही दूसरी ओर एक पहाड़ी पर मौजूद दो लोग आपस में बात कर रहे थे, जिनमें से एक ने काला कोट पहना हुआ था तो दूसरे के शरीर बड़ा ही अजीब लिबास था। देखने में किसी सुखी चमड़ी का बना कोट था,
लेकिन वो किसी तरह भी आलीशान नजर नहीं आ रहा था। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि प्राचीन दानव कबीले का सम्राट और रहस्यमय सुप्रीम था। तभी दानव सम्राट ने गंभीर खराश भरी आवाज में कहा, तुम्हारे जख्म गहरे हैं, क्या तुम इन्हें वक्त रहते भर पाओगे? प्राचीन दानव कबीले के सम्राट की बात सुनकर काले कोट पहने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो, वो मेरी आत्मा का छोटा हिस्सा था। अब जो मुझे अंदाजा हो गया है तो मैं भी देखता कि वो लड़का मेरे हाथों से कैसे बचता है। लेकिन दानव कबीले के सम्राट, ये मत समझना कि अगर मैं तुम्हें हृदय शक्ति पदार्थ हासिल करने के बाद मेरी मदद करनी है। मेरे भाई को वापस लेके आने में 3 साल से भी कम वक्त बचा मेरे पास। इस बार जब मेरा उससे सामना होगा तो मैं उसे बचकर नहीं जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जिंदगी भी खतरे में डालनी पड़े। लेकिन तुम उन 10 दल के बारे में जानते हो, वो दल अपने आप में किसी साम्राज्य से ज्यादा ताकतवर। लेकिन प्राचीन कबीले के दानव सम्राट ने पालती मारकर ट्रेनिंग करते काले कोट वाले सुप्रीम को देखकर फिक्र मत करो, एक बार मैं उस बॉक्स में छुपी जानकारी हासिल कर लूं, उसके बाद में और मेरा जहरीली घाटी का सबसे ताकतवर दलों में से एक होगा। वही दूसरी और दोनों की बातों से दूर विद्युत ट्रेनिंग करने के बाद कमरे में रखे सोफे पर सो गया। अगले दिन जब विद्युत की आंख दरवाजे से आते, शोर की वजह से आंख खुली, लेकिन जैसे विद्युत ने नाराजगी से लाल चेहरे के साथ महेश्वर को दरवाजा खोल देखा तो मन ही मन कहा, कहीं मैं ज्यादा देर तक नहीं सो गया? किस बारे में बात कर रहे थे? प्राचीन दानव सम्राट और रहस्यमयी सुप्रीम।